और इसराइल की राजधानी यरूशलम में बुधवार को दो बम धमाके हुए हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके अलावा लगभग 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। जानकारी के अनुसार ये धमाके एक बस स्टैंड के पास हुए हैं। पहला धमाका शहर के किनारे एक बस स्टॉप के पास हुआ है। धमाका उस वक्त हुआ जब यात्री बसों में इंतजार कर रहे थे, तो वहीं दूसरा धमाका शहर के उत्तर में रामोद इलाके में हुआ है। घायलों में 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।